Alright, so here we are to discuss about entrances other than GPAT for post-graduation. Hi, graduate pharmacy aptitude test, so hey, GPAT 2023 is on the way. But other than GPAT 23, ऐसे कौन से entrances है which I can attempt for my post-graduation. Again, जब हम लोग GPAT 23 की बात करते हैं, I hope a good number of us are aware that GPAT 23 के basis पे I can get into masters. When I say masters, I mean briefly both the streams. One is basically your M.Pharm. M.Pharm के साथ कुछ colleges हैं जो आपको M.Tech भी देती है, like ICT. And at the same time, there is also availability of getting M.S. M.S. Naipar से. तो ये हो गया basic masters. And again, GPAT 23 के basis पे I can also get into pharmaceutical management, Pharm MBA. अभी Pharm MBA सिर्फ Naipar में ही नहीं, but also going further for Manipal's entrance test, this can work out. Anyways, जब मैं post graduation की बात कर रहा हूँ, and when I'm briefly talking about this particular streams, अब अलग अलग colleges के खुद के अलग अलग entrance date रहेंगे, खुद का अलग अलग syllabus होगा, खुद का अलग अलग exam का pattern होगा, खुद के अलग अलग exam के form के dates होंगे. If you want to be informed about all such entrance dates and all, we are running a free WhatsApp group. You can just WhatsApp onto this number 8433830815. This same number ये video के description में भी है. आप उनको सिर्फ बोल दीजिए, वो आपको WhatsApp group में add कर देंगे. This is a free WhatsApp group so that you get information on daily basis about all the happenings around. Going further, अब जब मैं post graduation के entrances की बात कर रहा हूँ, एक कॉमन वाला जो हम सबको पता है, दैट इज बेसिकली ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. अभी जब जीपैट के टेस्ट की बात हो रही है, जीपैट के साथ और बहुत सारे एंट्रेंसेस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो खुद की एंट्रेंस ले रहे हैं. जैसे IIT BHU, दे हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग देयर ओन एंट्रेंस सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. यस, IIT BHU एक ही इंस्टीट्यूट है, खुद के लिए खुद का एंट्रेंस लेता है. अदर देन IIT BHU, इफ आई हैपन टू क्वालिफाई जीपैट, अगर मैं GPAT क्वालिफाई होता हूँ, ओनली देन आई एम एलिजिबल टू राइट Naipar. ये तो हम सबको पता ही होगा टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. बट अगर मैं GPAT अनक्वालिफाइड, लेट्स से द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, अगर मेरा GPAT क्वालिफिकेशन नहीं होता, आई कैन स्टिल राइट अदर एंट्रेंसेस लाइक BITS. BITS का खुद का एंट्रेंस होता है, विच इज विद BITS HD. अदर देन BITS एंट्रेंस, आई कैन स्टिल राइट इवन Manipal एंट्रेंस टेस्ट. Manipal का भी खुद का एंट्रेंस होता है. BITS का एंट्रेंस मैं लिख सकता हूँ, Manipal का एंट्रेंस लिख सकता हूँ. अगेन, इफ एट ऑल आई हैव ऑल्सो रिटन गेट, और अगर मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, अगर मैं गेट अनक्वालिफाइड हूँ तो भी मैं एंट्रेंस लिख सकता हूँ. बट अगर मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, आई गेट एन एज टू अटेम्प्ट ICT M.Tech एंट्रेंस. अंडरस्टैंड, ICT M.Tech हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग. जो हम लोग का यूजुअल माइंडसेट होता है कि भाई टेक बोला तो इंजीनियरिंग है, M.Tech को लेके वो इंजीनियरिंग वाला फंडा नहीं. ये सबके एंट्रेंस वो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, सबका खुद खुद का अलग एग्जाम पैटर्न है, सबके खुद खुद के अलग टाइमलाइंस है. एज आई टोल्ड यू, टू अ गुड एक्सटेंट सबका खुद का सिलेबस भी अलग है. जैसे अगर मैं ब्रीफली बोलूँ, हम सबको पता है दैट GPAT इज ऑल अबाउट 125 क्वेश्चंस एंड 3 आवर्स. बट अगर मैं GPAT के बदले बात करूँ ICT M.Tech की, ICT M.Tech इज ओनली 50 क्वेश्चंस एंड इट्स ओनली 1 आवर. On the other side, when I talk about BITS, BITS HD is 100 questions and I get 2 hours. When I talk about Manipal, Manipal entrance test is again 200 questions and 2 hours. But ये सब में भी कुछ ना कुछ variation है. जैसे अगर मैं GPAT की बात करूँ, यहाँ पे 25% negative marking. You attempt a question, you go wrong, 25% negative marking है. हर एक right का अपने को 4 mark मिलता है. बट अगर रॉन्ग जाता है, अटेम्प्ट किया और रॉन्ग आया, तो 4+1 वी लूज 5 मार्क्स, राइट? नेगेटिव मार्किंग है. ऑन द अदर साइड ICT M.Tech में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. जो अटेम्प्ट करना है, जितना अटेम्प्ट करना है, डजेंट मैटर, यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन एज यू वांट. BITS की बात करूँ तो BITS में नेगेटिव मार्किंग और ज़्यादा है. BITS में नेगेटिव मार्किंग इज 33%. मतलब अगर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो राइट गया, तो मुझे सिर्फ 3 मार्क मिलता. अगर मेरा कुछ रॉन्ग जाता है तो आई लूज 3+1 4 मार्क्स. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 33% है, जो GPAT में कम था, दैट वॉज 25%. अगेन इफ आई टॉक अबाउट Naipar, Naipar इज 200 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स. Naipar का नेगेटिव मार्किंग भी 25% है, जस्ट लाइक GPAT. अब कोई बोलता है Naipar का एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, फैक्ट इज Naipar का एक क्वेश्चन 0.5 मार्क का है, और 0.5 मार्क में से 25% नेगेटिव मार्किंग है, विच इज 0.125.
इट गोज द सेम वे एज 4 मार्क्स एंड 1 मार्क्स, सो कुछ ऐसा वेरिएशन नहीं. बट हाँ, बिट्स में वेरिएशन ज़्यादा है, 33% नेगेटिव मार्किंग. अगेन बिट्स के जो 100 क्वेश्चन है इसमें से 70 क्वेश्चन फार्मा के होते हैं, 30 क्वेश्चन दूसरे पैटर्न में डिवाइडेड है. हम लोग एक बिट्स एच डी पे पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे. व्हेन आई टॉक अबाउट मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में भी जो 200 क्वेश्चन है 2 घंटे के लिए, इधर भी 25% नेगेटिव मार्किंग. बट मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस काफ़ी बैलेंस्ड होता है. यू हैव क्वेश्चन कमिंग अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बैलेंस्ड मैनर, विच इज़ नॉट द केस विद जी पैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. हम सबको पता है जी पैट में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स है जिसके अराउंड पेपर ज़्यादा घूमता है, राइट फ्रॉम फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, सोटिक्स, ये जो मेजर चंक ऑफ द पेपर है. बट ये वाला पेपर काफ़ी बैलेंस्ड होता है. यहाँ पे भी जो 30 क्वेश्चन है ये आगे 15-15 में स्प्लिट कौन सा बुक है, इंग्लिश और मैथ्स, उसके भी क्वेश्चन आते हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंट एंट्रेंसेस एंड देयर टाइमलाइंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट ऑल दिस एंट्रेंसेज आई हैव टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट ऑफ सिलेबस. क्या ये सबका सिलेबस सेम है? अच्छा, ये सब एंट्रेंस के सिवा हम में से बहुत सारे लोगों ने CU CET भी सुना होगा, CU ET भी सुना होगा. अच्छा, इसके सिवाय गुजरात का खुद का एंट्रेंस होता है PG CET. तो व्हाट अबाउट दोज एंट्रेंसेस, उसके सिलेबसेस का क्या? आर द सिलेबस ओवरलैपिंग और आर दे डिफरेंट? इफ दे आर डिफरेंट देन हाउ मच आर दे डिफरेंट? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि थोड़ा ही डिफरेंस है? पैटर्न में क्या फ़र्क है? फॉर ऑल सच इन्फॉर्मेशन गेट एडेड टू आर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. होप यू लाइक द कंटेंट. शेयर एंड सब्सक्राइब. मीट यू सून. थैंक यू.